एक बार फिर से हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो यहाँ से हमें ये चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन या सेंटेंस जो भी है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से cot a इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ से cot a की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी। तो यहाँ से cot a की वैल्यू 4/3 है। तो हमें पता होता है cot क्या होता है, cot की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस डिवाइडेड बाय हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल के मतलब इस गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल में जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से बेस हमें कितना पता है 4, परपेंडिकुलर हमारा है 3। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस तो हमें पता नहीं है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 5। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस टेन, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से हमें निकला ये हो गया 5। तो टेन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 डिवाइडेड बेस, बेस हो गया 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस में ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 टोटल का 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 7 डिवाइडेड बाई 25। तो राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस हमारा क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 5 इसका होल स्क्वायर माइनस में साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स 3 बटे 5 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस में 9 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 क्योंकि इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 25 होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 25। इट मीन्स इसका मतलब ये है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या है, ट्रू है। तो बस ये था आज का क्वेश्चन और ये था सोल्यूशन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।